हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी को सौंपा हुआ गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बड़ी ही ईमानदारी से किया गया है। और इस बात से मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि आखिर में तुम सभी ने मिलजुल कर एक आखिरी में सेम पंडाल चुना। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। अरे भाई, सर को कौन बताए कि वो जो एकता हमारी शक्ति है बोल रहे हैं ना भाई, वो एकता तो बारिश के चलते आ गई थी गाइस। आपको याद है ना, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके लिए आप सभी को मुबारकबाद। लेकिन आज हमारे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हमारे में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है और एनुअल फंक्शन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि उसकी भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड में लगी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो नाउ द असेंबली इज डिसमिस्ड। वेट, वाओ गाइस, एनुअल फंक्शन, ओ भाई गाइस, देखो कुछ ही चीज होती है स्कूल में जिसमें एक्चुअली में मजा आता है, ठीक है, उनमें से एक एनुअल फंक्शन भी है भाई। मतलब एनुअल फंक्शन के समय ना इतना मजा आता है ना, आपको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है, इधर उधर स्कूल में बढ़िया घूम सकते हो, कोई डांटता भी नहीं सर्वर, और कोई सर पकड़ता है तो भाई मैं तो बोल देता हूँ कि मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हालांकि मैं कभी कभी नहीं भी करता हूँ, ठीक है, तभी भी मैं ऐसा बोल देता हूँ। बट गाइस, हियर इज द डील गाइस, अब सीन कैसा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। हमारा एनुअल फंक्शन ऐसे नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अरे यार, इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे ऑलरेडी इतने सारे बंदे आ गए, भीड़ हो गई है, मैं इधर से जाता हूँ गाइस चढ़बड़ के, चुपचाप से देखते। ऑलराइट, ओ भाई, तो गाइस सीन कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे काफी सारे कॉम्पिटिशन है, पर जिन दो तीन कॉम्पिटिशन में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है वो एक तो सिंगिंग वाला है, ठीक है, एक कविताएं वाला है और एक डांस वाला है गाइस। ये ऐसे तीन कंपटीशन होने वाले हैं। और जब पिछले बार हुआ था ना गाइस, तो मैंने डांस में कॉम्पीट किया था और भाई अपन फर्स्ट आ गए थे। अब सबसे पहले चल के हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी। अरे देखो, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक पूरी की पूरी टोली है और टोली के साथ साथ मैं डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेके जीतने वाला है। पिछले साल तो वो चूजे ने मुझे हरा कर मेरे मुंह पर वो ट्रॉफी को छीन लिया था, लेकिन इस बार मैं पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट इकलौता डांस सर माइकल जैक्सन बन जाऊंगा। अरे तुम लोग बताओ, क्या मेरे साथ डांस करोगे? अरे यार भाई, तू कर लेगा? ओए, मैं तुझे नाचने वाला लगता हूँ क्या? अरे वैसे नहीं बोल रहा हूँ भाई, एनुअल फंक्शन की बात हो रही थी, क्या बंदा है। गाइस, ग्रुप डांस में एंटर करने से पहले मुझे अपने डांस पार्टनर चूज करने पड़ेंगे भाई, और कोई अभी तक हाँ नहीं बोल रहा, अभी तक मैं चार लोगों से रिजेक्ट हो चुका हूँ। एक काम कर दो, इससे पूछ कर देखता हूँ। भाई एक बात बता, तेरे को डांस करना आता है? अरे मैं तुम्हारे स्कूल का थोड़ी हूँ, निकलो। अच्छा, मेरे स्कूल का नहीं है क्या? अरे यार, तू यहाँ क्यों बैठा है भाई, कहीं और जाके बैठ। गाइस यार, मैं किससे पूछूं? हाय फैला, ये बताओ कि तुम में से किसको डांस करना नहीं आती है, क्योंकि तुम्हारा जो ये हीरो रॉकी यहाँ खड़ा है ना, इसे बहुत अच्छे से डांस करना आती है। ये देखो, थारांग 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 थारांग, माइकल जैक्सन के बाद अगर कोई है तो वो मैच है। ये लो, चिल्लर रखो मेरी तरफ से। आजकल लोग कितने अजीब अजीब तरीके से पैसा कमाते हैं। हाँ, ये एक मिनट, मुझे कोई पैसा देके चला गया। भाई एक बात बताओ, तुम लोग डांस करते हो क्या यहाँ पे? अरे यार, सब भाग जा रहे, क्या मतलब, इतना तो बुरा नहीं दिखता हूँ मैं। ऑलराइट, स्कूल के अंदर चल के ही देखता हूँ भाई, कोई तो मिलेगा। अरे भाई रमेश सुरेश, तुम लोग डांस करते हो क्या, बताओ भाई मेरे साथ, मेरे ग्रुप ज्वाइन करोगे तो बताओ। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, रॉकी ने सबको मना किया तुमसे बात करने को और तुम्हारे साथ नाचने को, और हम तो रॉकी से बहुत डरते हैं। माफ करना भाई, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, इतना दुखी मत हो, अब समझ में आया मेरे को चल क्या रहा है। लेकिन मुझे पता है कोई एक है जो कि रॉकी से डरता नहीं है भाई, और वो मेरे साथ जरूर देगा। चलो चलते हैं गाइस, शायद आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा कि वो कौन बंदा है, क्योंकि आप लोग भी इतने समय से सीरीज देख रहे हो, आपको गेस कर ही लेना चाहिए, और अगर नहीं किया तो कोई नहीं, ये देखो। ऑलराइट, ओए जय, कैसा है? अरे मुझे लगा था तुम मेरे पास थोड़ा पहले आओगे, तुमने काफी देर कर दी, मैं तो रॉकी के टीम में हूँ। क्या, रॉकी के टीम में, क्या बोल रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे भाई, ये कोई समय मजाक करने का, भी डर गया था मैं। चल भाई, तू पहला बंदा है जो कि मेरे टीम पे, ठीक है ना। अपना जो डांस ग्रुप होगा ना, उसमें एटलीस्ट चार मेंबर होने चाहिए, दो तो अपन हो गए, दो बंदे और खोजना है भाई, बता यार दो कहाँ से लाए। अरे धनराज भैया को रख लेते हैं। धनराज भैया, वेल हाँ, कोई टेंशन नहीं है, बट यार वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लिखा था कि सिर्फ जो स्कूल के बंदे हैं मेंबर्स, वो लोग कर सकते हैं। अरे तो स्टूडेंट थोड़ी लिखा है, मेंबर लिखा था। अरे हाँ, धनराज भैया तो मेंबर ही है स्कूल के, मतलब ऑफिशियली मेंबर तो है वो। गाइस अपना तीसरा बंदा भी मिल गया, चल चल भाई जल्दी चल, धनराज भैया से भी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, धनराज भैया यहीं पर होंगे, एक मिनट, धनराज भैया तो मिल गए, लेकिन ये क्या चल रहा है? अरे भाई, ये वॉशरूम में हमेशा लड़ाई चलते रहेगी क्या? वेल गाइस, पीछे जो फाइट चल रही है उसको आप इसी तरह से इग्नोर करना जैसे चॉप अपनी बेवकूफी को करता है। ऑलराइट धनराज भैया, एक मिनट बात तो सुनो। अरे ईका आर्यन बाबू, आजकल तो तुम्हारा रोज का बन गया भाई, फिर आ गए तुम, क्या काम है हमसे? अरे धनराज भैया, आप समझ नहीं रहे हो, आपसे कोई काम नहीं है इस बार ना, अपन आपको ना, मतलब आपकी जो खोई हुई इज्जत है ना, वो लौटाना चाहते हैं, आप समझ रहे हो? अरे हमारी खोई हुई इज्जत, हमारी पास इज्जत ही कब थी जो हम खो देंगे भाई। हाँ मतलब खोई हुई नहीं, मतलब आपको इज्जत इज्जत दिलाना चाहते हैं अपन लोग। ऐसा का काम कराओगे भैया तुम हमसे? अरे यार, हमारा जो एनुअल फंक्शन हो रहा है ना, उसमें अपने को डांसर चाहिए, ठीक है, मैंने देखा आप अच्छा डांस कर लेते हो। अरे क्या बात कर रहा है,
है, हम कहाँ डांस कर पाता है भाई। रुको अभी पता चल जाएगा, अभी आपको ऑडिशन लेते हैं ठीक है। जैसा मैं स्टेप कर रहा हूँ ना वैसा ही करके दिखाना, तो मान जाऊंगा। चलो कमॉन 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 धनराज भैया, चलो चलो। अरे बहुत समय से हम भी नहीं नाचे हैं भैया, नाचो नाचो। अरे ये हुई ना बात। अरे यार ये कब से वही खड़ा है, अरे ये क्या दोनों नाच रहे हो मेरे बिना। अरे भाई, अरे एक मिनट, ये दोनों कहाँ से आ गए? तुम कहाँ करे भैया? भैया गाड़ी वाला आया घर अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसी? आखिर क्या शोर शराबा चल रहा है हमारे बाथरूम में? कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है? मैं भी तो चल के देखूं। अरे ये क्या बारातियों के जैसे नाच रहे हो? हाय हाय सर, हाय। क्यों भाई, तुम्हारे को जगह नहीं मिली नाचने की? अरे नहीं सॉरी सर। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से, पहले लेफ्ट है उसके बाद राइट है, समझ में आया? ये देखो। अरे सब अपनी अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? मेरी देखो, मेरी सुन के खड़ो। अरे यार ये पगला क्या कर रहा है? ओए पागल, क्या हम ये वाला स्टेप भी जोड़ दे? अरे यार ये कौन पागल आ गया है? होय तुझे डांस का डी भी आता है? अरे पहले ये तो देखो। होय ये क्या कर रहा है? होय तू बिल्कुल 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 पागल है क्या? रॉकी को क्या समझ कर रखा है, मजाक? अरे यार कैसे पागल टीम में रहे, सब अपनी धुन में नाच रहे। होय वो सब तो ठीक है, तू कौन सी वॉक कर रहा है? होय मैंने मून वॉक सुनी है, सन वॉक सुनी है, मैंने सब तरह की वॉक सुनी है। हो लेकिन ये कौन सी वॉक है यार? ये छपरी वॉक करना बंद कर। अरे यार किन पागलों के बीच में मुझ जैसे माइकल जैक्सन रॉकी को डाल दिया है। ऑलराइट, तो बाथरूम में ऑडिशन लेने के बस प्रिंसिपल से डांट खा के हम लोग यहाँ पहुंचे और हम यहाँ पे कर ही रहे ऑडिशन। लेकिन गाइस सीन कैसा हो गया ना, अपने को चार बंदे चाहिए मिनिमम, और अपने को चार बंदे मिल ही नहीं रहे, मतलब टोटल अपन तीन तो हो गए। गाइस यार चौथा बंदा कहाँ से आएगा? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई कौन है तू? अरे मैं गलेलाल 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 कैसा नाम है? गलेलाल नहीं गलेलाल गलेलाल। अरे भाई गलेलाल क्या बोल रहे तू? अरे तुम्हारा नाम गजेंद्र है ना, मैंने रोल नंबर में सुना है। अरे हाँ सही बोला, गलेलाल गलेलाल। अच्छा गजेंद्र गजेंद्र, ऑल राइट भाई गजेंद्र क्या हो गया? अरे मैं बहुत खूब नाचता है, बोले तो फुल मवाली है मैं। मवाली है तू? ऑल राइट, थोड़ा बहुत तो लग भी रहा है। पहले देख अपने को चौथा बंदा चाहिए, अगर तू अच्छा नाच के दिखा। अरे भाई पहले ताली बजाना बंद कर यार। देख अगर तू डांस में अपने जो ये है ना भाई धनराज भैया को अगर तू हरा देता है डांस में, तो फिर समझ ले कि अपन चारों का जो ग्रुप है वो पक्का हो जाएगा। अरे धनलाल भैया को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। अरे बाप रे, धनराज भैया सुन रहे हो, आपको ऐसे हरा दूंगा बोल रहा है? कौन ही ससुरा, चलो आ जाओ देखते हैं फिर। गाइस महायुद्ध आरंभ हो रहा है ठीक है ना, एक तरफ है हमारे धनराज भैया और दूसरी तरफ है हमारा गलेलाल हमारा गजेंद्र। चलो भाई ऑल राइट, 3 2 1 डांस। सुनी बस बस बस, ये देखने से पहले मेरी आंख क्यों नहीं फूट गई भाई? हो गया, तुम लोग अच्छा नाचते हो, रोक दो भाई। भाई यार गाइस माफ करना, आपको देखना पड़ा, लेकिन फिर भी देखो बेकार जरूर था लेकिन देखने में मजा आया भाई, और आपको भी मजा आ रहा है अभी तक। तो गाइस यार जल्दी से लाइक करो यार, करते नहीं हो आप लोग, फटाक से एक लाइक ठोक दो। बाकी जो अपना नया बंदा है गजेंद्र, ये डांस जैसा भी कर रहा था पर डांस अच्छा कर लेगा, इसको मैं सिखा सकता हूँ। और बाकी धनराज भाई आप तो सरप्राइज ही कर दिया यार, इतने सारे कूल स्टेप आप कहाँ से देख लिए? अरे तुम हमको हल्का में ले रहा है क्या भैया? हम साफ करते करते यूट्यूब चलाता है, हमारे पास भी YouTube है भैया। अरे भाई सही है यार। ऑल राइट तो फिर चलो डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ठीक है। 1 2 3 4 चलो एक साथ एक साथ। अरे यार उधर मेरा तो डांस हो नहीं पा रहा है, लेकिन इस चूजे की टीम बिल्कुल एक साथ एक ताल में खड़ी है। अरे यार इनको कौन सिखा रहा है? कौन है इनके ग्रुप में अच्छा डांसर? लगता है वो जो नया लड़का दिख रहा है वो एक प्रोफेशनल डांसर है। लगता है मुझे भी एक नया प्रोफेशनल डांसर हायर करना पड़ेगा, और अगर मैं हायर नहीं कर पाया तो मेरे पास एक बहुत चतुर चालाक चाल है। आखिर मेरे पापा का दिया हुआ सबसे महंगा फोन कब काम आएगा, जिसमें इतना लंबा जूम है कि मैं किसी के घर के अंदर का भी देख सकता है। फटाफट इन्हें रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इसे रिकॉर्ड करके मैं इसी डांस को अपने में छाप देगा। चलो। अरे हेलो की मैं समझ गया, लेकिन इतनी भी क्या उत्सुकता थी तुम्हें मुझसे मिलने की? बताओ। नो टॉम, डू यू अंडरस्टैंड दैट यू आर माय चाइल्डहुड फ्रेंड, डू यू रिमेम्बर? अरे हाँ भाई, मैं अपने बचपन को थोड़ी भूल जाऊंगा, मुझे याद है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू अ फेवर, माय चाइल्ड रॉकी, आई लव हिम सो
much that if I see him in trouble, I just get sad, you know? हाँ, मैं समझ रहा हूँ. So when you help that poor little Aryan, he gets upset. And if he gets upset, I get angry, you know? So please, can you stop helping Aryan? या तो तुमने मुझे इतने दूर से सिर्फ इस बात के लिए बुलाया है? अरे यार, लौकी हम बड़े हो चुके हैं, अभी भी बच्चों जैसी बातें करते रहते हो भाई. वो बच्चे अभी स्कूल में, कभी लड़ेंगे, कभी झगड़ेंगे, कभी दोस्ती करेंगे. ये सब में तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर है. अपने बिजनेस में ध्यान दो और मुझे भी दे रहे हो, समझ में आया? No, Tom, listen. What do you think Aryan is very strong or do you think he is weak? अरे obviously he is strong. क्यों, क्या हो गया? If you think he is strong, then just leave him alone this time, only this time, and let's see what he can do, huh? Let's test his potential. If he is strong, he'll come on the other side. If he is weak, he'll cry. ये थोड़ी सोचने की बात है. हालांकि मैं उसका साथ छोड़ने तो नहीं वाला, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैं उससे थोड़ा दूर रहूंगा, ठीक है? तब तुम्हें समझ आएगा कि असली में उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है. वो तो मैं ऐसे ही मदद कर देता हूँ, और वो मेरे पास कभी मदद मांगता हुआ आता भी नहीं है. भाई साहब, आज तो भयंकर टाइप से थकान होगी. ये क्या ही हमने रिहर्सल की है, बाप रे बाप. भाई अगर इस टाइप की मेहनत अपन पढ़ाई में कर देते ना, तो अपन चारों के चारों टॉपर होते. I mean, आपको छोड़ के भैया, बाकी अपन तीनों टॉपर होते जरूर. बाकी हमारी चलो रिहर्सल खत्म होती है भाई, अब चलो चलते और तैयारी करते, कपड़ा वपड़ा पहन के कल मिलते हैं सारे, क्योंकि कल हमारा एनुअल फंक्शन है, ठीक है ना? कल शाम को, सीधा शाम को मिलेंगे अपन लोग. ऑल राइट, चलो फिर बाय. और जाने से पहले नल बंद करके जाना भाई, घर पे नहाए करो. वेल, नहाने से याद आया, गाइस आप लोग नहा रहे हो कि नहीं? अगर आप लोग डेली नहाते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार. मतलब चलो देखते हैं कितने लोग डेली नहा रहे या नहीं. I mean, sorry भाई, बस मजाक कर रहा था. सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना. मास्टर, लेकिन सही बताओ तो आप पूरे चोर लग ही रहे हो, डांसर तो नहीं लग रहे हो. अरे भाई क्या बोल रहे हैं, पूरा डांसर का कपड़ा पहन के रखा हूँ मैं. वो सब छोड़, मैंने अपनी साइकिल पे लाइट लगाई है, ठीक है ना? ओ भाई एक मिनट गाइस, ये कौन लोग है? वो भाई रॉकी. रॉकी दूसरे कपड़े भी पहनता है क्या? ओ भाई साहब, एक मिनट गाइस, इनमें से जितने भी बंदे हैं, इनमें से कोई भी हमारे स्कूल का नहीं है. ये क्या बात हुई? और ये इसके टीममेट्स है. ओए रॉकी एक मिनट बात सुन. हाँ रॉकी, सुनता नहीं सुना रहा है, तुझे बात करनी है तो तुम मेरे पास आ, मैं तेरे पास क्यों आएगा? अरे यार ऑल राइट, ठीक है मैं आ रहा हूँ. एक बात बता रॉकी, ये इसमें से कोई भी तो हमारे स्कूल का मेरे को लग नहीं रहा है भाई. तो अपना काम कर जाके, और हमारे स्कूल का क्यों लगेगा जब हमारे स्कूल का है ही नहीं था, और दूसरों के काम में ठाग नहीं रहा था, समझ में आया? अपना खुद से काम ठीक ठाक कर रहे. ऑल राइट, एक मिनट, ये लोग तो ठीक है. छोड़ो यार रॉकी को छोड़ो, मेरे कोई टीममेट्स कहाँ है भाई? दिख ही नहीं रहे मेरे मेंबर. अंदर होंगे. ऑल राइट, अंदर भी हो सकते हैं. अभी तक तो एनुअल फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो काफी टाइम है, अभी पूरी सीट्स भी सब खाली है. ऑल राइट, यहाँ पे काफी सारे बच्चे आ चुके हैं भाई, लोग तो डांस वूस कर रहे हैं. लेकिन गाइस एक ना बहुत विचित्र बात बताता हूँ, मैंने टॉम सर को इतनी बार ही कॉल किया, ना उन्होंने कॉल बैक किया है, ना उनका कोई कॉल आया है. पता नहीं टॉम सर कहाँ है. वो रहे, प्रिंसिपल सर से पूछ कर आता हूँ भाई कि टॉम सर आखिर है कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन बंदे बैठते हैं, प्रिंसिपल सर, रॉकी के पापा और टॉम सर. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड इवनिंग. अरे आर्यन बताओ कैसे आना हुआ? सब तैयारी हो यारी, सब ठीक से हो गई है ना? गाना वाना डीजे में बजवा के देख लिए? अरे सर अभी मैंने गाना टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी थी. एक बात बताइए, अपने टॉम सर उठा कैसे नहीं रहे? कॉल वॉल और आसपास भी नहीं दिख रहे, मैंने उनको हर जगह देख लिया. अरे टॉम सर ने ना मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ तो मैं एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा. अरे यार एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे क्या यार? मैंने उन्हें स्पेशली बोला था कि यार टॉम सर आप आना, डांस उसे देख के जाना मेरा. बट चलो कोई ना, ओके थैंक यू सर, आप बैठिए आराम से, मैं भी गाना वाना चेक करवा के आता हूँ. ऑल राइट भैया, मेरा गाना ना फोन पे ही है, आप अगर फोन से ना चेक कर लो कि गाना बज रहा है या नहीं. ओके तो तुम सारे तैयार हो ना? जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है. वो देखो वो सब वहीं पे खड़े, जल्दी चलो इससे पहले कि उनका लीडर वो चूजा आ जाए. तुम सारे जल्दी चलो, दौड़ दौड़ के चलो, जल्दी से उनसे मिलते हैं और फिर मिलके. हाय चूजा के दोस्तों, इधर देखो, तुम सब मेरी बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, ठीक है? तुम में से कोई भी मुझसे अच्छा डांसर नहीं है, समझ में आया? और किसी को लगता है तो आ जाओ, दो दो हाथ खा ले. अरे नहीं नहीं, कोई मत लड़ना, ये उसकी चाल होगी, मास्टर ने मुझे पहले ही बताया था. तो सारे स्टूडेंट स्टेज के पास उपस्थित हो. अरे चलो चलो, डांस का समय हो गया, आ जाओ. हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. तो आज हमारा ये एनुअल फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारे सबसे पहले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं. आप सभी के समक्ष हमारा पहला परफॉर्मेंस, जो कि मिस्टर रॉकी द्वारा दिया जाएगा. रॉकी एंड ग्रुप कृपया स्टेज में उपस्थित होए. ऑलराइट, अभी रॉकी लोग जा रहे हैं भाई. ठीक है चलो, ठीक है भाई, तुम सब यही रहना, कहीं जाना मत, अगला अपना हो सकता है. वो भाई रॉकी लोग स्टेज पे चढ़ गए. लेट्स सी गाइस ये लोगों का कैसा परफॉर्मेंस होता है. चलो रॉकी, आर यू रेडी? बेस्ट ऑफ लक सन. थैंक यू डैड. वैसे तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन अब नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम कुछ खर्चा करने वाले हैं. 3, 2, 1 साउंड. और राइट चालू हो गया. मुझे कहती थी गुटखा खाना छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तो तुझको छोड़ दूंगी. मैंने
एक मिनट वेट व्हाट, ये तो हमारा गाना है भाई, ये हमारा गाना, मैं क्यों डांस कर रहा है? एक मिनट, हमारे गाने में नहीं, हमारे स्टेप में भी डांस कर रहा है। व्हाट, इसने तो हमारी परफॉर्मेंस ही चुरा ली भाई। बिल्कुल डिटो सेम टू सेम, मैं फोन में अपनी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, हमारी और इसकी पूरी सेम टू सेम है। क्या यार, ये क्या लड़का है? अरे तुम नाचना बंद करो यार, वो हमारी परफॉर्मेंस में डांस कर रहा है। अरे यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब हम लोग करेंगे क्या? ये बंदा हमारी पूरी परफॉर्मेंस पे डांस कर दिया और हूबहू सेम टू सेम कर रहा है। अरे यार, अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। हमारे पास इतना कम समय, नई परफॉर्मेंस तो हम लोग कर नहीं सकते प्रिपेयर, और ये रॉकी ने खुद तो कुछ किया नहीं, और इधर पे हम लोग का पूरा परफॉर्मेंस बिगाड़ कर दिया यार। ऐसे में तो वो जीत जाएगा गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा। ऑलराइट, हां टॉम सर से एक बार बात करने की कोशिश करता हूं यार। टॉम सर कॉल उठाओ, टॉम सर। भाई नहीं उठा रहे यार, इतने क्या बिजी चल रहे हैं यार। ये ना उस बेवकूफ की गाड़ी, क्या बेकार बंदा है यार, हर बार प्रॉब्लम करता है। चलो अगली परफॉर्मेंस आर्यन और उसके टीम की है। व्हाट, हमारी परफॉर्मेंस आ गई? अरे यार नहीं 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 नहीं, हम लोग कैसे क्या परफॉर्म करेंगे गाइस, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। अरे कहां से सुराग इधर भाग गए थे, हम तुमका ही खोज रहे थे, चलो नाचेंगे अब। अरे नहीं नाच पाएंगे अब, रुको एक मिनट, मैं सर से बात करके आता हूँ। वेरी गुड सन, वेरी नाइस डांस, आई रियली लाइक दैट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सन। अरे वाह, थैंक यू डैडी, थैंक यू। और ये तो अभी कैसे हो सकता है, अभी तो सीधा सीधा डांस का समय हो गया है। अब तुम बोलोगे कि उसने चुरा लिया, इसने ये कर लिया, अब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। देखो अब जो हो गया सो हो गया, अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम अपने आप को डांसर समझते हो। अरे सर आप मेरी बात तो समझ लो, एक बार सुन तो लो यार। आर्यन टाइम निकलता जा रहा है, सब हल्ला कर रहे हैं, काम करो तुम जाओ और तुम अकेले ही डांस कर लो, तुम्हें कुछ तो डांस आता होगा ना। अरे यार डांस तो मेरे को आता है, पर मैं अकेले करूँ कैसे, होगा ये सब? गाइस बड़ा डर लग रहा है, इतने सारे लोग, बाप रे बाप। भाई यार थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, एक तो मेरे को ऑलरेडी स्टेज में जाने से थोड़ा डर लगता है। ऑल राइट सब चिल्ला रहे हैं, आर्यन भाई चिंता नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ ज्यादा डर लगेगा तो पीछे से हवा छोड़ दो, फिर डरना ही लगता है। वेल थैंक यू इतने अच्छे मोटिवेशन के लिए, गाइस ट्राई करके देखते हैं। ऑल राइट अच्छा लग रहा है अभी, चलो ठीक है फिर बजा दो गाना, अपन भी कुछ नाच वाच दे देते इधर पे। चलो लगता है अब जो बाथरूम में ऑडिशन दिया था वही काम आएगा। 3, 2, 1, go! राइट थैंक यू। वेरी मेरा तो डांस कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके रिजल्ट कल असेंबली में बताए जाएंगे। बाकी आपको किसका डांस पसंद आया गाइस कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और कल इसके आगे की वीडियो आएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।